सारे अकेले सफर करने वाले श्रोताओं के लिए। आपने कभी किसी सुनसान सड़क पर सफर किया है अकेले, जहां सन्नाटा बिल्कुल मौत जैसा हो, और सोचो अगर ऐसे अकेले सुनसान सफर में आपके साथ वो हो जाए जो आपने कभी सोचा भी ना हो। ये कहाँ चली गई? क्या विपत्ति आन पड़ी है इस परिवार? भगवान ऐसी घड़ी किसी को ना दिखा। एक तरफ आपकी बहू चंपा को आप बचा नहीं पाए और दूसरी तरफ आपका छोटा बेटा कुक्की 13 दिनों से अस्पताल में बेहोश पड़ा है। काश मेरा बेटा एक बार होश में आ जाए। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अरे भाई साहब, आप, मुझे लगा था कि आप भूख पे नहीं पहुंच पाएंगे, आप आए, बहुत तसल्ली हुई। आप, ये मेरे दोस्त का बेटा है अनिमेश, मुझे यहाँ छोड़ने के लिए आया है। अच्छा अच्छा, यहीं पिछली गली में रहता है। मेरी तबीयत इतनी बिगड़ गई थी ओमकार के पूछो मत। अच्छा, और इसके आगे जो हुआ वो कहूंगा। ये कौन है? ये हमारी बड़ी बहू चंपा है, सुरेश की पत्नी। ये नहीं हो सकता, 13 दिन पहले एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई थी। आप उसी की 13वीं में तो आए हैं। अरे कैसी बात कर रहे हो तुम लोग? अरे अभी कुछ देर पहले जंगल में इसी ने मुझ पर हमला किया था, जबरदस्ती मेरी गाड़ी में घुसकर आई थी और पलक झपकते गायब भी हो गई। और तुम लोग कहते हो कि 13 दिन पहले ये मर चुकी है? अरे कैसा मजाक कर रहे हैं आप लोग? अरे मैं पिछला सारा झगड़ा भुला कर आप लोगों को मिलने के लिए आया और आप लोग मेरे साथ इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं? हाँ, हम सब ने उसका दाह संस्कार किया। आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। हो सकता है कि आपने आपने भूत देखा हो। झूठ बोल रहे हो? नहीं नहीं, सबके सब तुम लोग झूठ बोल रहे हो। तुम लोग झूठ बोल रहे हो, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। तुम लोग भाई
13 दिन पहले मरी हुई औरत कैसे किसी गाड़ी में घुस सकती और फिर पलट झपटते ही गायब भी हो जाती, और जबरन घुसी भी तो अपने ही दूर के किसी रिश्तेदार की गाड़ी में। इतना इत्तेफाक सर, रघु प्रसाद को कोई गलत फहमी हुई होगी, वो औरत चंपा ने कोई और होगी। चौबे जी, आप जरा चंदेल फैमिली के लोगों से पूछताछ करिए, मैं तब तक रघु प्रसाद से मिलता हूँ। सर, रघु जी। खालिंदी बेटा, बेटा इनसे कहो कि ओमकार और उसके परिवार वालों की गिरफ्तारी करें, और उसकी वो बहू उसको तो पहले गिरफ्तार करें, उसी ने मुझ पर हमला किया था और जबरदस्ती गाड़ी में घुसाई और फिर गायब भी हो गई। देख लेना बेटा, एक दिन मुझे मारकर तुझे भी नहीं छोड़ेंगे। रघु प्रसाद जी, आप चिंता मत कीजिए, आपको कोई डरा धमका नहीं सकता, पुलिस है ना यहाँ। आप दोनों एक मिनट। आप दोनों को चंपा के बारे में जो कुछ भी पता है मुझे बताओ सब। हमारी रिपोर्ट्स के अनुसार आपका और आपकी बहू चंपा चंदेल का महेश्वर से ग्वालियर आते हुए रोड एक्सीडेंट हुआ। चंपा चंदेल की घटनास्थल पर मौत हो गई। आप लोग उसे अस्पताल ले गए, जहां आते ही डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। आई एम सॉरी, शी इज नो मोर। बहुत पहले ही डेथ हो चुकी है इनकी। अगले दिन उसका दाह संस्कार होने ही वाला था कि चंपा चंदेल की डेड बॉडी और साथ साथ कुकी चंदेल दोनों को आग लग गई एक और एक्सीडेंट में। एक्सीडेंट के बाद जिस डॉक्टर ने आपको और चंपा चंदेल को अटेंड किया था, मैं उनसे मिलना चाहूंगी, और हाँ, कुकी चंदेल को भी देखना चाहूंगी कि उसमें कितना सुधार आ रहा है। मैडम, तो आपको भी लगता है कि मरने के 13 दिन के बाद जंगल में ताजी को चंपा मिली थी? आपके हिसाब से आपके पापा रघु प्रसाद जी और उनके मौसेरे भाई उनका शैलेंद्र उनकी फैमिली के बीच पुरानी दुश्मनी थी, और अब चंदेल फैमिली से रिश्ते सुधारने की नीयत से आपके पिता ओंकार की बहू चंपा, जिसे उन्होंने देखा भी नहीं था, उसकी 13वीं के लिए लौटे थे। और अब रघु जी को लग रहा है कि ओंकार जी चंपा के नाटक के बहाने उनसे बदला ले रहे। और आप निमेश, आप ग्वालियर से लौट रहे थे तब आपने देखा कि बदहवास रघु जी आपसे मदद मांग रहे हैं। जी, उनकी कमीज पर खून लगा हुआ था और उनके चेहरे का रंग भी उड़ा हुआ था, और बड़बड़ाए जा रहे थे कि मेरी गाड़ी में कोई डरावनी औरत है, लेकिन मैंने अंदर जाके देखा तो अंदर कोई औरत नहीं थी। सर, मेरे पिताजी झूठ क्यों बोलेंगे? कुछ तो हुआ है ना उनके साथ। चंपा जिंदा है या मर गई मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पिताजी उससे मिले जरूर है। जो सबके सामने एक एक्सीडेंट में मर चुकी हो, कैसे किसी इंसान पे हमला कर सकती? यहाँ हर कोई अपनी अपनी कहानी कह रहा है, पर क्या सचमुच चंपा रघु प्रसाद को मिली थी, या फिर ये उसकी आंखों का कोई धोखा है? आई एम सॉरी, क्या मतलब है? क्या आप पक्का करना चाहते हैं कि चंपा चंदेल की मौत कंफर्म थी या नहीं? हम डॉक्टर्स हैं और पूरी यकीन के साथ कह सकते हैं कि इंसान मरा है या नहीं। आप हमारे प्रोफेशन, हमारे काबिलियत का मजाक उड़ा रहे हैं? रघु प्रसाद जी भ्रमित हैं। जिस औरत को यहाँ लाया गया, उसे हमने लाते ही मृत घोषित कर दिया। जिसे खुद यहाँ से शमशान घाट भेजा गया था, हम उसकी मौत का प्रमाण दें आपको? सर, मेरी पत्नी की मौत का मजाक मत बनाइए प्लीज। ताया जी को जरूर कोई धोखा हुआ है, और हमसे उन्हें कोई खतरा नहीं है। अगर आप लोग का हो गया हो तो मैं कुछ बोलूं? पहली बात, अगर किसी बुजुर्ग इंसान के साथ एक सुनसान सड़क पर कोई हादसा होता है और उन्हें अपनी जान का खतरा लगता है, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन तो करेगी। और दूसरी बात, रघु प्रसाद के साथ अनिमेश ने भी उस हादसे का नजारा देखा है। हम यहाँ किसी पर इल्जाम लगाने नहीं, बल्कि चंपा चंदेल की मौत और उसके जिंदा होने का भेद खोलने आए हैं।
इसीलिए आप सबको आमने सामने किया है। हमें चंपा चंदेल की मौत से लेकर उसके देवर कुकी चंदेल के जलने तक का पूरा ब्यौरा चाहिए। अब आप लोग बताएंगे आगे की क्या हुआ कैसे हुआ? साहब 13 दिन पहले की बात है, हम अपने परिवार के साथ 2 गाड़ियों में मांडू जा रहे थे। अचानक बस का संतुलन बिगड़ा और वो हमारी गाड़ी के सामने आ गए। अरे चंपा, 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 ए, उठो चंपा, चंपा उठो, उठ बेटा, सुरेश, सुरेश, इसकी ना बस देखो, क्या हुआ? इसकी तो नब्जीन से नहीं। डॉक्टर साहब अब आप बताइए कि चंपा को हॉस्पिटल लाने के बाद क्या हुआ? बस चंपा के मौत के अलावा प्रणाली की कंधे में मोच आई थी। मैंने चंपा को सबसे पहले चेक किया था, शायद अचानक लगी शॉक की वजह से उसकी मौत हो गई थी। डॉक्टर महिंद्रा ने भी फिर रीचेक किया था। आई एम सॉरी, शी इज नो मोर, बहुत पहले ही डेथ हो चुकी है इनकी। आपके बेटे कुकी और चंपा का जब कार में एक्सीडेंट हुआ था, तब क्या आपके परिवार में से कोई चश्मदीद गवाह नहीं था? कोई नहीं था। कुकी चंपा के पार्थिव शरीर को हॉस्पिटल से घर ले जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही एक्सीडेंट हो गया। लोगों से पता चला कि वैन में आग लग गई। I'm sorry, हमें आपके साथ हमदर्दी। अब हमें आप लोगों से और कुछ नहीं पूछना है, हम चलते हैं। चौबे जी, ये केस काफी कंफ्यूजिंग हो गया है ना? मतलब डॉक्टर्स कह रहे हैं कि चंपा मर चुकी है, रघु प्रसाद ने जिसे देखा वो कोई भूत तो था नहीं, I mean, वो औरत ही थी जिसका खून उनकी शर्ट पर लगा था, उसकी उंगलियों के निशान उनके गले पर थे। तो फिर क्या है चंपा की सच्चाई? सर, एक पल के लिए मान भी लेते हैं कि चंपा जिंदा है, पर वो यूं खून से सनी सड़क पर दौड़ दौड़ कर लोगों को क्यों डराएगी? और सर, चंपा के परिवार ने और डॉक्टर्स ने चंपा की ठंडी पड़ी हुई नब्ज को महसूस किया, उसका क्या सर? हमें ना ये कोई हॉरर फिल्म का सीन लग रहा है सर। मानो सर रघु प्रसाद ने चंपा को नहीं, मरी हुई चंपा के भूत को देखा होगा सर। त्रिपाठी साहब। चौबे जी। सर, सबसे पहले आप रघु प्रसाद और उनकी बेटी कालिंदी की सिक्योरिटी का इंतजाम करो, लेकिन बिना किसी को खबर हुए। और वो आदमी क्या नाम था उसका? अनिमेश मिश्रा। हाँ, उसी ने रघु की मदद की थी ना? जी सर। उससे वो शर्ट मांगो जिस पर चंपा का खून लगा था। सर, कपड़े उसी ने चेंज करवाए थे ना? यस सर। और त्रिपाठी, तुम चंडेल फैमिली के किसी भी 2 पड़ोसी को थाने बुलाओ और उसे चंडेल फैमिली के बारे में सब कुछ पता करो। और हाँ, उसके बाद वो हॉस्पिटल के मुर्दा घर के वार्ड बॉय से मिला। ठीक है सर। लेकिन हॉस्पिटल में नहीं, हॉस्पिटल के बाहर। जी सर। मुझे यकीन नहीं हो रहा, हमसे बदला लेने के लिए रघु भाई साहब ने हमारी मरी हुई बहू तक को नहीं छोड़ा, और वो भी तब जब कुकी के वापस आने की कोई उम्मीद नहीं है और अब बहू भी नहीं रही। काश जो रघु भाई साहब बोल रहे हैं वो सब सच हो जाए, हमारी चंपा वापस आ जाती। मगर ये सब क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है जी। अरे चंपा मर चुकी है अम्मा, बेकार में मत सोचिए, कुछ नहीं होगा, कोई नहीं आने वाला वापस, और पुलिस भी एक भ्रम के पीछे तफ्तीश कर रही है। अरे मर के भला कोई आज तक वापस आया है? बेकार की बातें करें सब, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ सोने। हमारी शादी का क्या होगा? माँ मुझे इंदौर वापस बुला रही है कि बहुत हुआ चचेरी मैन की शोक, लौट आओ। अब मैं क्या कहूँ उनसे कि चंपा के भूत ने मेरे सारे सपनों पे पानी फेर दिया? प्रणाली, दिमाग फिर गया क्या तुम्हारा? हाँ, मेरा भाई अस्पताल में बेसुध है, चंपा को मरे भी 2 हफ्ते भी नहीं हुए, और आज तो सारी बाजी पलट गई। ऐसे में तुम्हें शादी की सोच रही है? भूतिया भरम ही तो है। कौन सी तुम्हारी चहीती बीबी चिता पे से उठ करके वापस आ गई है? मरा हुआ इंसान सिर्फ प्रेत बन सकता है सुरेश,
हार्ड मास में वापस जिंदा होकर के नहीं आ सकता, और जो है ही नहीं पुलिस उसे क्या ढूंढेगी। मैम, रघु प्रसाद जी की खून से सनी शर्ट लेने आई हूँ जो उन्होंने रोड के हादसे के वक्त पहनी थी। जी मैम, लाता हूँ। अरे सुनो। हाँ साहब। ये मुर्दा घर में रात को तुम ही ड्यूटी करते हो ना? जी साहब। साहब मैं सर आपको हाथ तक नहीं लगाता। उस रात जब चंपा की लाश मुर्दा घर में रखी हुई थी, मैं पूरे होशोवास में था। वो 100% मर चुकी थी साहब। अगले दिन जब शमशान घाट में बॉडी ले जाते वक्त मैंने अपने इन्हीं हाथों से बॉडी वैन में रखी। मुर्दा घर में कुछ नहीं हुआ था साहब। चंपा की लाश वैसे ही आई और गई जैसे सबकी आती है। अगर ये सब सच बोल रहे हैं तो फिर सड़कों पर वो कौन थी? जी चंडेल जी का तो बड़ा हंसता खेलता परिवार था जी, हमें तो कभी कुछ खटका ही नहीं। चंपा भी सबकी चहेती थी, सुंदर थी, घरेलू थी और सुरेश की अपनी पसंद थी। और तो और उसके माँ बाप के मरने के बाद उसकी सारी जायदाद सुरेश के हाथ लग गई थी, तो ऐसी बहू से किसी को क्या दिक्कत हो सकती है भला? और चंपा, क्या वो इस शादी से खुश थी? सर कुछ महीनों से चंपा अक्सर बीमार रहती थी और उसका अस्पताल में आना जाना काफी हो गया था, लेकिन उसने कभी पता नहीं लगने दिया कि उसको क्या बीमारी थी। ठीक है, आप लोग अब जा सकते हैं। सर एक मिनट, क्या ये बात सच है जो रघु भाई साहब कह रहे हैं? क्या चंपा उनको सच में मिली थी? जब चंपा हमें मिलेगी तो हम पर्सनली आपको मिलाएंगे। सर, रघुप्रसाद की शर्ट को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। रिपोर्ट साथ ही पता चल जाएगा कि उसकी शर्ट पर लगा खून चंपा के डीएनए से मैच होता है या नहीं, और चंपा रघुप्रसाद से मिली थी या नहीं। और सर हमारे लोग आरोग्य धाम चिकित्सालय पर भी नजर रख रहे हैं। गुड। और त्रिपाठी तुम? अरे तुम्हारे चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ी हुई? जी सर, वो मुर्दा घर के वार्ड बॉय से मिलके आ रहा हूँ। सर वो चंपा की लाश पूरी रात वो मुर्दा घर में थी और सुबह होते ही अंतिम क्रिया के लिए सर वो कुकी के साथ वैन में भेजी गई। सर सच बता रहा हूँ, ये मरी हुई चंपा जिंदा हो गई है। सर कालिंदी जी, रिसेप्शन पे आपके लिए कॉल है। रिसेप्शन पे? मेरे मोबाइल पे कॉल क्यों नहीं आया? बैठे रहिए, बैठे रहिए। अब मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनिए। सदमे के कारण एक्सीडेंट में चंपा की मौत हो जाती, मान लिया। मगर अगले ही दिन जो वैन चंपा की लाश लेके जा रही थी उसका अचानक एक्सीडेंट हो जाता, उसमें आग लग जाती और चंपा की लाश पूरी तरह झुलस जाती है, बल्कि उस आग के लपेट में उसका देवर कुकी भी आ जाता है। और फिर 13 दिनों के बाद चंपा एक सुनसान सड़क पे खून में सनी हुई भागती हुई जबरन एक गाड़ी को रोककर उसमें घुसती है और फिर गायब हो जाती है। अब आप लोग बताइए कि आपकी ये चाय बिस्किट क्या कहती है? बोलो बोलो चौबे जी। सर शायद उसने रघुप्रसाद को डराया नहीं, हो सकता है उसने मदद लेने की कोशिश की होगी। सर चंपा चंदेल जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है ना सर?
अकल और तजुर्बा तो यही कह रहे थे बड़े, चंपा जरूर मरी है मगर फिर वापस आ गई, कैसे पता नहीं, क्योंकि शायद कोई और भी मान चुका है कि चंपा वापस आ गई है और वो नहीं चाहता कि जिंदा चंपा किसी और के हाथ लगे। सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि चंपा जिंदा होते हुए भी मरी हुई क्यों रहना चाहती है और अपने परिवार के पास वापस क्यों नहीं लौट रही। इसके लिए हमें वो आरोग्य क्या आरोग्य धाम चिकित्सालय से वहां से उसकी मेडिकल रिपोर्टिंग करवानी होगी जहां वो अपना इलाज करवाती थी। और दूसरी बात कि चंपा अभी भी ग्वालियर में ही है, कहां ये मैं अवश्य पता लगा के रहूंगा। और त्रिपाठी तुम कालिंदी से पता करो कि उसके पापा को दौरे आने बंद हुए कि नहीं। ना जाने किसका कॉल था, वो भी इतनी रात में बिना बात के फोन भी कट कर दिया। कालिंदी जी, रघु प्रसाद जी कैसे हैं? आइए आप खुद ही देख लीजिए। बाबूजी क्या ये सच में चंपा है? और अगर है तो फिर ये हॉस्पिटल में क्या कर रही है? उसको इस बात का डर नहीं है कि सबको पता चल जाएगा कि वो जिंदा है, या फिर वो इसीलिए छुपी है क्योंकि उसे किसी बात का डर है? क्या उसके साथ कोई मिला हुआ है जो उसकी मदद कर रहा है? तो फिर रघु प्रसाद के साथ उसने क्या किया? आप यही सब सोच रहे हैं ना? मेरे दिमाग में भी यही सब चल रहा है। रघु प्रसाद जी शायद सच बोल रहे थे, ये संभव है कि चंपा शायद जिंदा है और अपने जिंदा होने के सबूत को मिटाने के लिए वो अपने साथ रघु प्रसाद जी को ले गई है। सर पुलिस वाले होकर आप लोग ऐसी बातें कैसे बोल सकते हैं? चंपा मर चुकी है, अगर जिंदा होती तो चिता से उठकर सीधा घर आती, ऐसे भागती ना फिरती। आप लोग हमें जाल में फंसा रहे ना ताकि हमें चंपा की मौत का जिम्मेदार ठहरा सके। चंपा की दुखी आत्मा ग्वालियर में ही भटक रही है, क्यों मेरी बहू की आत्मा को और कष्ट दे रहे हो ऐसी बातें करके? हमारा फर्ज था आपको सच बताना, चंपा जिंदा है कैसे ये अभी हम नहीं कह सकते। हाँ लेकिन चंपा और रघु प्रसाद को हम जल्द ढूंढ लेंगे और वो भी जिंदा। अभी हम चलते हैं। माँ क्या सच में चंपा भाभी जिंदा है? अरे बेटा ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे कैसे कोई मर के जिंदा हो जाएगा? जिसे भी चंपा के जिंदा होने का अंदेशा था वो उसे अपने रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहा था और चंपा भी बचने की कोशिश कर रही थी। हमने चंपा के जिंदा होने की खबर पर मोहर लगा दी, अब वो इंसान और चंपा दोनों बेचैन हो गए। खूनी पूरी शिद्दत से चंपा को ढूंढेगा और चंपा भी ग्वालियर से बाहर निकलने का हर संभव कोशिश करेगी। लेकिन हेलो, ओके थैंक यू सर। रघु प्रसाद की शर्ट पर लगे खून की डीएनए रिपोर्ट आ गई है, खून चंपा का नहीं किसी और का है। इसका मतलब उस दिन चंपा पर जानलेवा हमला हुआ था और उससे बचने के लिए ही चंपा जबरन रघु प्रसाद की कार में घुसी थी। कवि जी, यहाँ का सबसे नजदीकी हॉस्पिटल कौन सा है? आरोग्य धाम चिकित्सालय। आप पहुंच जाइए और ये पता करिए कि दो दिन पहले कौन कौन लोग अपने किसी चोट की गहरी चोट की मरहम पट्टी करवाने आए थे। ओके सर। अब हमें पता है कि हमें आगे क्या करना है। सिस्टर बोलिए मैम, चंपा चंदेल किस डॉक्टर से अपना इलाज करवा रही थी? जी चंपा चंदेल हमारी विजिटिंग गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर माया जादव की पेशेंट थी। गायनोकोलॉजिस्ट? अच्छा वो है इस वक्त हॉस्पिटल में, मैं मिलना चाहती हूँ। आ रही मैम। अच्छा ये बताओ ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अपना इलाज दो दिन पहले करवाया, जिनके कंधे पर चोट लगी थी और खूब ज्यादा खून बहा हो? जी मैम, एमरजेंसी पेशेंट्स की लिस्ट चेक करके अभी आपको बताती हूँ। ओके
जी मैं डॉक्टर माया जाधव, आपने बुलाया इंस्पेक्टर, सब ठीक तो है? घबराइए मत, रूटीन इंक्वायरी है। चंपा चंदेल का इलाज आप ही कर रही थी ना, क्या बीमारी थी उसे? उसका इस हॉस्पिटल से ऐसा क्या नाता है कि अगर वो जिंदा है तो वो अपने घर जाने के बजाय यहाँ आने का जोखिम उठाएगी? मैम चंपा बच्चा कंसीव नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से उसका ट्रीटमेंट इस हॉस्पिटल में चल रहा था, और मेरा उससे बस इतना ही लेना देना है, बाकी डॉक्टर सुहासी उसका ट्रीटमेंट कर रही थी। लेकिन वो आपको अपॉइंटमेंट रिकॉर्ड्स में नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके घर में उसे मारा पीटा जाता था, जिसका इलाज वो डॉक्टर सुहासी से कराती थी। डॉक्टर सुहासी? मैम मैं जाऊं? यस यू मे लीव। डॉक्टर सुहासी कुमार, ये वही डॉक्टर है ना जो चंपा की मौत के वक्त मौजूद थी? इसी ने तो चंपा को मृत घोषित किया था। मैंने चंपा को सबसे पहले चेक किया था, शायद अचानक लगी शॉक की वजह से उसकी मौत हो गई थी। और ये उस वक्त भी राउंड्स पे थी जब रघु प्रसाद गायब हुआ था। इसका मतलब डॉक्टर सुहासी कुमार, ओ नो, सब कनेक्ट हो रहा है। मैडम, दो दिन पहले दो पेशेंट्स आए थे इमरजेंसी में, एक का नाक टूटा हुआ था और दूसरे के कंधे में गहरी चोट लगी थी। ये यहाँ क्या कर रहा था? हाँ चौबे जी। सर, दो दिन पहले भुवन आरोग्य धाम चिकित्सालय में आया था कंधे पर गहरी चोट लेकर, और उसी दिन चंपा ने किसी आदमी को मारा, ऐसा हमारा अनुमान था। भुवन, परसों रात से डॉक्टर स्वास्नी मैडम हॉस्पिटल नहीं आई हैं। इसका मतलब जिस दिन से रघु प्रसाद गायब है उस दिन से मैडम भी गायब है। मुझे डॉक्टर सुहासी का मोबाइल नंबर देना ना। डॉक्टर सुहासी इसी रास्ते पे है, चलो। उस गाड़ी को फॉलो करिए। आन पड़ी है इस परिवार, भगवान ऐसी घड़ी किसी को ना दिखा। ये गाड़ी क्यों रोकी मेरी? चंपा को यूं छोड़कर कहां जा रही है डॉक्टर ने साहिबा? चंपा मर चुकी है, और तुम कहना क्या चाहते हो? और तुम्हें चंपा से मतलब भी क्या है? तुम ना तो कोई पुलिस हो और ना ही कोई। हाँ हाँ हाँ। लेकिन जिस काम का जिम्मा लिया है वो तो पूरा करना पड़ेगा ना। क्या कर रहे हो तुम मेरी गाड़ी की ऐसी तलाशी नहीं ले सकते, ये क्या कर रहे हो तुम? चंपा का फूल, अब हाथ लगा।
आजा बाहर। छोड़ दो इसे। अब देखते हैं कि भूत पे गोली का असर होता है कि नहीं। ये कोई चंपा का भूत नहीं, खुद जीती जागती चंपा है। और चंपा के भूत ने रघु प्रसाद जी का हॉस्पिटल से अगवानी किया था। ये कारस्थानी आपके सीधे सरल समाज सेवी प्रवृत्ति आपके पड़ोसी इस भुवन की थी। हर मुजरिम अपने जुर्म को मिटाने की कोशिश करता, उसी तरह भुवन ने भी चंपा को मारने की कोशिश के साथ साथ रघु प्रसाद जी को अगवा कर लिया कि कहीं कोई इनकी बात का यकीन न कर ले कि चंपा जिंदा है। चंपा, अब तुम बिना डर के अपने गुनहगार का गला पकड़ सकते हो। तुम जैसे नीच लोगों से और कोई क्या उम्मीद लगा सकता है? अम्मा जी, आप क्यों हैरान है? आपकी लाख कोशिशों के बावजूद मैं जिंदा बची इसलिए। अरे, आपसे अच्छे तो सुरेश प्रणाली निकले, जिन्होंने बेशर्मों की तरह अपना प्यार किया, किसी से छुपाया नहीं। पर मां जी, आपको मैंने अपनी मां से बढ़कर समझा, फिर भी आपने मेरे साथ ऐसा किया। अगर वो एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो इस भांज को मारने के और क्या तरीके थे आपके पास, बताइए। आई एम सॉरी, शी इज नो मोर। डॉक्टर सुहासी ने मुझे मृत घोषित किया ही था और मैं वार्ड में थी। अचानक से मेरी धड़कन वापस आ गई। होश में आते ही मैंने माँ जी को बोलते हुए सुना, भला हुआ ये खुद ब खुद एक्सीडेंट में मारी गई और हमारे हाथ भी गंदे नहीं हुए। जिस काम को करने हम मंडू जा रहे थे वो यही हो गया और मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। इस बांझ से खुद ब खुद छुटकारा मिल गया हमें। मैं डॉक्टर सुहासी का इशारा समझ गई और मरने का नाटक करती रही। सबकी नजरों से बचकर डॉक्टर सुहासी मुझसे मुर्दा घर मिलने आए। चंपा, एक्सीडेंट के शॉक की वजह से तुम्हारी दिल की धड़कन कुछ देर के लिए रुक गई थी। मेडिकल लैंग्वेज में इसे एक्टोलेसिस स्टॉल कहते हैं और ये सब बहुत रेयर केसेस में होता है। चंपा, तुम मेरी पेशेंट ही नहीं बल्कि मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हो और मुझे पता चल गया है कि तुम्हारी जान को खतरा है। तुम्हारे घर वाले ही नहीं चाहते कि तुम जिंदा रहो, इसलिए तुम्हें जिंदा रहने के लिए मरने का नाटक करना पड़ेगा। मरने का नाटक?
मैं तुम्हें एक ऐसा इंजेक्शन दूंगी जो तुम्हारी शारीरिक गतिविधियों को धीमा कर देगा और कोई भी आम इंसान तुम्हें मरा हुआ समझेगा। जब कुकी मुझे मुर्दा घर से अंतिम संस्कार के लिए लेने आया तो उसे भी पता नहीं चला कि मैं जिंदा हूँ। मैंने जब वैन में आंखें खोली तो कोकी को लगा कि उसने दिन दहाड़े मेरा भूत देख लिया हो। सर पर चोट लगने से कोकी बेहोश हो गई। हमारे प्लान के अनुसार पीछे से डॉक्टर सुहासी तो वार्ड बॉयज के साथ आई और एक औरत की जली हुई लाश वैन में रखती जिसे वो मुर्दा घर से लाए थे ताकि सबको लगे कि मेरी लाश वैन में लगी आग की लपटों में जल गई है और मैं अपने परिवार के लिए हमेशा मरी रही जैसा कि वो चाहते ही थे। क्योंकि जब मैं आज के अस्पताल में देखने आई तब उनको मेरे और डॉक्टर सुहासी के प्लान का पता चल गया। मुझे मरवाने के लिए उन्होंने वो जुआरी भुवन को मेरे पीछे लगा दिया। वो ऐसा करने में सफल भी हो जाता। भाग्यवश उस सुनसान सड़क पर ताया जी मिले। चलिए समय आ गया अपने किए की सजा भुगतने का। जो तुम दोनों घर के दरवाजे के अंदर कंधे में रखा तो तुम दोनों कहीं और जाकर अपना मुंह काला करो बदतमीज। बहू मुझे माफ कर दो, मैं अपने परिवार को अच्छे संस्कार नहीं दे पाया। मुझे अफसोस है कि ये सुरेश तुम्हारे लायक नहीं है, इसलिए आज से मैं तुम्हें अपनी बहू नहीं कहूंगा, मैं तुम्हें अपनी बेटी कहूंगा। भाई साहब आप मेरे घर नहीं चलेंगे, आप मुझे माफ नहीं करेंगे भाई साहब। डॉक्टर आप जैसी डॉक्टर सच में हमारे समाज के लिए एक आदर्श उदाहरण है। आपने अपनी पोजीशन को दांव में लगाकर एक पेशेंट के लिए जो किया उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। हमारा तो लक्ष्य ही एक होता है, इंसान की जान बचाना। मैंने अपना फर्ज निभाया, अब आप अपना निभाइए और मुझे मेरी किए की सजा दीजिए। चौबे जी सच में डॉक्टर्स भगवान का दूसरा रूप होते हैं। चंपा कितनी लकी थी कि उसे डॉक्टर सुहासी जैसी नेक और निडर डॉक्टर मिली जिसकी वजह से वो आज जिंदा है। चंपा को बचाने के लिए डॉक्टर सुहासी ने न जाने कितने रिस्क लिए। हैट्स ऑफ टू ऑल द डॉक्टर्स, टू ऑल द मेडिकल टीम्स जो अपनी परवाह ना करते हुए दूसरों को नई जिंदगी देते हैं। अपना ख्याल रखिएगा।